कैच एवरी रिलीज ऑफ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो. चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए एंड गेट नोटिफाइड. वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल पे. मैं हूँ रुचि आपके साथ और आज मैंने सोचा क्यों ना बॉलीवुड में खूबसूरती को सेलिब्रेट किया जाए. अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरती की प्रतिमा किसी को मानते हैं तो दैट हैज टू बी जीना तमान जी. वही है वो जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस को देखे जाने का नजरिया बदल दिया. वही है वो जो कि हिप्पी रोल करें या गाँव की लड़की का रोल करें, मॉडल बने या माँ बने, हर तरह से हमेशा चाही गई है. वही है वो जो कि एक सेक्स आइकॉन बनकर के सामने आई लेकिन फिर भी कभी वल्गर नहीं लगी, हमेशा हॉट एंड ब्यूटीफुल ही लगी, हमारी जीना तमान जी. लेकिन आपको पता है 80 के दशक की शुरुआत में जीना तमान जी इंडिया छोड़ के बॉलीवुड छोड़ के चले जाना चाहती थी. कौन थे वो जिनके कहने पर जीना तमान जी पीछे रुक गई, बताऊंगी आपको उनका नाम कुछ ही देर के बाद. लेकिन फिलहाल यहाँ पर गानों की करते हैं शुरुआत. सबसे पहले दम मारो दम फिल्म से गाना सुनिए जरा. दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम नजर
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। जीना दमान स्पेशल है आज का ये एपिसोड। और 1976 से लेकर के 1980 के बीच में जीना दमान जी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी बॉलीवुड में। हेमा मालिनी जी अपने टॉप पे थी, लेकिन फिर भी जीना दमान जी हेमा मालिनी जी से भी ज्यादा पैसे कमाती थी। इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद जीना दमान जी का दिल नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, ना इस देश में, ना यहाँ के काम में, ना यहाँ के लोगों में। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो सब अपना यहाँ का काम समेट के बोरिया बिस्तर उठा के जर्मनी चली, जहाँ पर उनकी माँ रहा करती थी। उनका डिसीजन पक्का था, फाइनल था, शिफ्टिंग की डेट आ गई थी, जब देवानंद साहब आए और आके उन्होंने कहा जीना दमान जी से कि ऐसे आप कैसे छोड़ के जाएंगी, बॉलीवुड में एक ही तो डीवा है, वो भी चली गई, तो हम देवियों के साथ में क्या खाक कुछ मजे कर पाएंगे। ये बात सुन के जीना दमान जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और जीना दमान जी ने कहा कि चलो तुम्हारी इस बात की खातिर एक और साल रुक जाती हूँ। और उस एक साल ने इतना कमाल किया जीना दमान जी की जिंदगी में कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रच बस गई। तो उन्हीं के नाम डॉन फिल्म से बजाते हैं अगला गाना, जिसका आपको था इंतजार। सुनिए जरा। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे
जीना है और किसको मर जाना है। तेरा आशिक जमाना औरों का दिल होगा तेरा निशाना, नाज न कर यूं तीरे नजर पे आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, वो घड़ी आएगी आएगी वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से क्यों मुलाकात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो जाने हयात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर यहीं है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जा।
मुझको रहेगा यार। खूबसूरत बात ये चार पल का साथ ये सारी उम्र मुझको रहेगा यार। मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज जो ना सिर्फ जीनत अमान जी की रही है बल्कि बॉलीवुड की रही है, वो थी सत्यम शिवम सुंदरम। एक ऐसे समय पर आई थी वो मूवी जब हमारी ऑडियंस जो थी, जनता जो थी, वो इतनी ओपन माइंडेड हुई नहीं थी कि इतनी बोल्ड मूवी को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन फिर भी जीनत अमान जी के अंदर उतना जिगरा था कि वो ये मूवी कर पाए। आपको एक खास बात बताती हूँ, इस फिल्म की कास्टिंग चल रही थी जब जीनत अमान जी का नाम सामने आया था। जीनत अमान जी को बड़ी एक्साइटिंग लगी थी ये मूवी, उनको लगा कि ये मूवी तो मुझे करना ही है, तो पूरी के पूरी से साम दाम दंड भेद लगा के, पूरा दम लगा के उन्होंने तैयारी की थी इसकी ऑडिशन की। राज कपूर जी के ऑफिस पहुंची है अपना स्क्रीन टेस्ट देने के लिए। मज़े की बात यह है कि जहां पर बाकी सारी एक्ट्रेसेस नॉर्मली आई थी, बन ठन के आई थी, जीनत अमान जी एक गांव की लड़की की तरह लहंगा चोली पहन करके ऑडिशन के लिए पहुंची थी। यही नहीं, उन्होंने मेकअप भी कुछ इस तरह का किया था कि जैसे कैरेक्टर की ज़रूरत थी, उनका आधा चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। देख करके जीनत अमान जी की मेहनत को राज कपूर जी बड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि हीरोइन तो मेरी यही बनेगी, और ऐसा ही हुआ। इसी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से सुना रही हूँ आपको अगला गाना। और अगर आपको लगता था कि जीनत अमान जी सिर्फ एक फिल्मों की एक्ट्रेस रही हैं, मूवीज़ में आई हैं, तो आप गलत हैं। टेलीविजन पे भी इन्होंने कुछ काम किया है, बात करेंगे उसके बारे में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक। ईश्वर सत्य है। Thank you.
आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है। Do like and share this episode and subscribe to Saregama Old Hindi Songs YouTube channel। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio.
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर यह है जीनत अमान स्पेशल एपिसोड। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज की तारीख में अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे तो एक अलग ही ट्रेंड है फैशन डिजाइनर्स का। अगर डिजाइनर कपड़े नहीं पहने हैं तो मतलब आप बड़े सितारे बने ही नहीं हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस ट्रेंड की शुरुआत भी की थी जीनत अमान जी ने। इसके पहले ये कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किसके बनाए हुए कपड़े पहने हैं। लेकिन जीनत अमान जी क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल की स्टार मानती थी खुद को, तो ये इंटरनेशनल डिजाइनर्स से अपने कपड़े बनवाया करती थी। फैशन अलग लेवल का था इनका। साड़ी छोड़ बिकिनी पहनना, वो भी स्क्रीन पर इन्होंने शुरू किया। बड़े बड़े बन छोड़ बॉब कट करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ में एक्टिंग करना इन्होंने शुरू किया। यहाँ तक कि क्या आपको पता है जीनत अमान जी वो पहली हिंदी फिल्म एक्ट्रेस रहीं जिनके खुद के नाम पर एक परफ्यूम भी लॉन्च हुआ था। जितनी महक उस परफ्यूम में रही होगी उतनी ही महक इनके गानों में भी है। तो चलिए अगला गाना सुनाते हैं आपको, खतूबा, अली बाबा और 40 चोर फिल्म से आशा भोसले जी की आवाज में। सुनिए। Yeah.
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। जीना तमान जी की जिंदगी प्रोफेशनली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो, दमदार क्यों ना रही हो, पर्सनली जीना तमान जी ने बहुत कुछ झेला। फिजिकल अब्यूज हो, डिस्टर्ब्ड मैरिजेस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, सभी कुछ उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा हिस्सा बन के रह गया। लेकिन इतने सारे हार्डशिप्स झेलने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनफैक्ट उन्होंने दूसरों की मदद करने का सोचा और तभी जीना तमान जी ने एक टेलीविजन शो की शुरुआत की थी। 80s की ही बात कर रही हूँ, लेट 80s अर्ली 90s में टेलीविजन पे उनका एक शो आया करता था जिसका नाम था आवाज़। और यहाँ पे वो चाहती थी कि कुछ ऐसी औरतें जिन्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वो आएं और आकर के आवाज़ उठाएं। उन्हें हमेशा ये दर्द, ये मलाल रह गया कि जब उन्हें ज़रूरत थी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। इसीलिए कुछ ऐसी औरतें जिनको की ज़रूरत थी मदद की, उनकी जीना तमान जी ने दिल खोल के मदद की। मुझे लगता है कि अपनी परेशानियों को दूर करने का बस एक ही तरीका होता है कि दूसरों की परेशानियों को दूर किया जाए। शायद जीना इसी का नाम है। इसी के नाम सुनाते हैं आपको अगला गाना, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में जीना तमान जी की फिल्म हीरा पन्ना से पन्ना की तमन्ना है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल। तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल तो पहले ही किसी और का हो चुका। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में हो चुका। यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
को कभी जिसका ख्याल भूलाना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए ओ इलो चली जाना कि मौसम है दीवाना चली जाना ये मौसम है दीवाना ऐसा क्या जाना जरा से
शर्मा ना, रुक जा रुक जाना, हो जाना हमसे दो बातें करके चले जाना, ये मौसम है दीवाना। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड और सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।